हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो रोड है ये है सोना पलवल रोड और जगह ये हरियाणा हाजीपुर। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो हम और आप जा सकते हैं फरीदाबाद। जी हाँ, राइट जाएंगे तो यहाँ से जा सकते हैं केएमपी इंटरचेंज के पास। और ये वो अलाइनमेंट है जो कि होकर आने वाला है दिल्ली से, और ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट। तो चलिए जरा देखते हैं कि इस पर कितना कुछ काम हुआ है। वैसे अगर आप देखेंगे तो पिलर्स तो बन चुके हैं। मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलने वाला हूं और दिखाता हूं कि कितना कुछ काम हुआ है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उस अलाइनमेंट पे जो कि होकर आने वाला है दिल्ली के डीएनडी से वाया फरीदाबाद बल्लभगढ़ होते हुए और जाकर ये मिलेगा खलीलपुर गाँव में केएमपी इंटरचेंज के पास, और वही तो हम और आप आज देखने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर अभी अर्थवर्क का काम किया जाना है और बहुत सारा काम किया जाना है, और इसी वजह से आपको इस पे बहुत सारे व्हीकल्स देखने को मिलेंगे जिनकी मदद से यहाँ पर ये जो मिट्टी लाने का काम है वो किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बताऊँ, ये जो पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये बनकर तैयार होगा 2023 में। ये जो अलाइनमेंट जो कि दिल्ली की तरफ से आ रहा है ये भी बनकर तैयार होगा 2023 में। तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अर्थवर्क का काम पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है। जी हाँ, और यहाँ पर इसी वजह से हमें और आपको ब्लैक टॉप का भी जो काम है वो देखने को मिलेगा। इस साइड हमें और आपको फोर लेन मिलने वाला है इस पे, ये जो पार्ट जो कि दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है और जाकर खलीलपुर गांव के पास केएमपी इंटरचेंज है वहाँ पर जाकर ये कनेक्ट होगा। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो मेन अलाइनमेंट है उस पर जो अर्थवर्क का काम किया गया है वो तो किया गया है दोस्तों 12 लेन के लिए, लेकिन उसमें भी आपको इस साइड 4 लेन ही देखने को मिलेगा। भविष्य में जो मेन अलाइनमेंट है जो कि सोना से स्टार्ट हो रहा है उसे अगर भविष्य में 6 लेन इस साइड करना हुआ तो बड़े आसानी के साथ किया जा सकता है, क्योंकि उस पर अर्थवर्क के काम से लेकर जितने भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं वो सभी के सभी किए गए हैं 6 लेन इस साइड के लिए। जी हाँ, पिछली बार के मुकाबले अगर यहाँ पर देखोगे तो अच्छा खासा अर्थवर्क का काम हुआ है, और अभी इनफैक्ट इस पर काम किया भी जा रहा है। तकरीबन 1350 किलोमीटर लंबा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। इस पे अर्थवर्क के काम के साथ साथ कई जगहों पे हमें और आपको देखने को मिलेगा जो कि ब्लैक टॉप का भी काम कर लिया गया है, और ये इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक टॉप का जो काम है वो कर लिया गया है, और इस साइड हमें और आपको 4 लेन देखने को मिलेगा। जी हाँ, और 1 लेन की जगह यहाँ पर दी गई है बीच में जिसमें कि ग्रीन पट्टी होने वाला है, यानी कि पेड़ पौधे लगाए जाने हैं। तो इस जगह पर ब्लैक टॉप का काम हो चुका है, तो इसी वजह से टीम यहां पर हमें और आपको दिखेगी जो कि ये जो ग्रीन पट्टी है इसमें अभी इस वक्त पे मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं, उसके बाद यहां पर फिर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। कंपनी जो इसके ऊपर काम कर रही है, ये जो अलाइनमेंट है जो कि दिल्ली से स्टार्ट होता है और खलीलपुर हरियाणा में कनेक्ट होगा, इस पर जो कंपनी काम कर रही है वो है DRA इंफ्राकॉम, और ये जो पूरा अलाइनमेंट है ये 60 किलोमीटर का है, और इस पूरे 60 किलोमीटर अलाइनमेंट पे यही कंपनी है जो कि काम कर रही है। इसको 2 फेज में डिवाइड किया गया है, जो केएमपी से स्टार्ट होता है और ये जो मथुरा रोड है वहाँ तक 1 फेज़ है, और उसके बाद मथुरा रोड को क्रॉस करने के बाद जो ये फरीदाबाद बाईपास रोड को होते हुए आगे की तरफ जाने वाला है वो 2रा फेज़ है। जी हाँ, बात कर लेते हैं कि क्या है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 90,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट की लंबाई की मैं बात करूं तो वो है 1380 किलोमीटर लंबा। इसका जो पहला फेज है हरियाणा के सोना से लेकर राजस्थान के दौसा तक का वो 2022 तक स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसी साल तक पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा 2023 में। जो जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उसको भी इससे कनेक्ट किया जाएगा इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। जी हाँ, एक्सप्रेसवे होकर गुजरने वाला है इकोनॉमिक हब लाइक जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, बड़ोदरा एंड सूरत से होता हुआ ये गुजरेगा। ये होकर जाएगा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, और हाँ उत्तर प्रदेश भी इसमें ऐड हो चुका है। अब इसके की फीचर्स जो है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 12 लेन का ये पूरा एक्सप्रेसवे होने वाला है। वैसे फिलहाल जो बनाया जा रहा है वो 8 लेन का बनाया जा रहा है। अगर भविष्य में ट्रैफिक का मूवमेंट ज्यादा होता है तो इसे 12 लेन तक का भी किया जा सकता है। इसपे वे साइड एमिनिटीज भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, फ्यूल स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क से लेकर ट्रक और बड़ी बड़ी गाड़ी लगाने के लिए जगह भी आपको देखने को मिलेगा जो कि इस पे दिया जाएगा। 20 लाख के आसपास इस पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे एशिया का पहला और वर्ल्ड का 2रा इस पे एनिमल ओवरपास बनाया जाएगा, ताकि जो जंगली जानवर है उनके मूवमेंट को ये किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब न कर सके। इसमें 2 8 लेन के
टनल बनाए जाएंगे, यानी कि सुरंग बनाए जाएंगे, और दोनों 4 किलोमीटर लंबा तकरीबन होने वाला है। और ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो जानवर है उनको डिस्टर्ब न किया जा सके। इस एक्सप्रेसवे की मदद से फ्यूल की भी अच्छी खासी सेविंग होगी, इससे जो CO2 है उसको भी कम करने में मदद मिलेगा। 850 मिलियन केजी CO2 कम होगा इसके बनने के बाद, जो कि इक्वल है 40 लाख पेड़ लगाने के। 12 लाख टन से भी ज्यादा स्टील की मदद से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। पूरे इंडिया में जो यूज होता है उसका 2% सीमेंट तो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर यूज किया गया है, और तकरीबन 50 लाख मैंडे के आसपास ये रोजगार भी पैदा करने वाला है। तो ये तो था इस प्रोजेक्ट की डिटेल, चलिए और भी आगे चलते हैं और देखते हैं कि और इस पे क्या कुछ किया जा रहा है ना कमाल का नजारा। ब्लैक टॉप का काम पूरी तरीके से कंप्लीट, यानी कि 4 लेन यहाँ पर बना दिया गया है, और बीच में आपको ग्रीन पट्टी देखने को मिलेगा और इसके दोनों तरफ खेत देखने को मिलेगा। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हर 500 मीटर पर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम्स बनाए जाएंगे ताकि बारिश का जो पानी है उसको सेव किया जा सके। जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करोगे तो जो इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो इसको क्रॉस करेगा और हम और आप अंडरपास के सहारे इसके नीचे से होकर गुजरने वाले हैं। तो आगे इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काम इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर पहले काम किया जा रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, जो पिलर्स बनाना है और जो अंडरपास बनाना है उसका। वो काम जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जाएगा और उसके बाद हमें और आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो लाइन है वो दिखेगी आगे की तरफ जाते हुए। तो यहाँ पर ये जो पिलर्स दिए गए हैं ये इसीलिए दिए गए हैं ताकि जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन है, जो डबल डेकर मालगाड़ी है, वो इस जगह से गुजर सके और हम और आप इसके नीचे से होते हुए आगे की तरफ जा सके इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को यूज़ करते हुए। इसके ऊपर जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन है इसके ऊपर जो कंपनी काम कर रही है वो है L&T, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इसी पिलर के ऊपर सेगमेंट रखने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर आपको जितने भी पिलर्स हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के वो दिखेंगे कि जो कि बनकर तैयार हो चुका है और ये आखिरी पिलर होने वाला है। तो ये पिलर सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर से ये गुजर सके। जी, इस जगह पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो काम है वो अच्छा खासा हो चुका है। यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के खंभे हैं, इनको भी डाल दिया गया है, और इसको जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये अलाइनमेंट पूरा का पूरा जो होने वाला है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही है। तो इस तरफ हम और आप चलते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ही बात करते हैं, लेकिन इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। बड़ा ही कमाल का नज़ारा है ना, इंडिया के दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक जिसे कि NHAI बना रही है और दूसरा जिसे कि इंडियन रेलवे बना रही है। ये जब दोनों के दोनों बनकर तैयार हो जाएंगे ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तब इस देश की गति को पंख लग जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको यहीं तक का दिखाया था, तब उस
वक्त पे यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है इसकी मिट्टी निकालने का काम किया जा रहा था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है वो भी बना लिया गया है। इनफैक्ट इसके आसपास जो स्टील का पूरा जाल है वो डाल दिया गया है, लेकिन आज यहीं तक नहीं, आज इसके आगे भी चलने वाले हैं। चलिए, माना कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़रा चलते हैं और इसके आगे का भी देखते हैं, क्योंकि इसके आगे हम और आप गए नहीं हैं और हमने देखा नहीं है कि इस पे कितना कुछ काम हुआ है इसके बाद। तो चलिए चलते हैं। ये यहाँ पर इसलिए बनाया जा रहा है, ये एक्चुअली व्हीकल अंडर पास नहीं है, ये तो दोस्तों इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर एक नहर है और उसी नहर को क्रॉस कराने की वजह से यहाँ पर इतने बड़े कंक्रीट का ये स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि जो नहर है उसको क्रॉस कराया जा सके। और अभी फ़िलहाल इस नहर को तो डाइवर्ट कर दिया गया है, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको डाइवर्ट कर दिया गया है और इसको बनाने का काम किया जा रहा है। चलिए, इसके आगे हम और आप पहली बार देखने वाले हैं कि कितना काम हुआ है। वैसे गूगल मैप पे देखें तो गूगल मैप के हिसाब से भी यहाँ पर अर्थवर्क का काम हो ही चुका है। चलिए फिर तो और भी आगे चलते हैं और देखते हैं। जहाँ से इस वीडियो की शुरुआत करी है उस जगह से लेकर अभी तक, और वैसे पहली बार हम और आप इस पॉइंट का अपडेट देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि सबसे लंबा जो अर्थवर्क का काम है, और इनफैक्ट आपसे कहूँ जो ब्लैक टॉप का काम है वो देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर कर लिया गया है। स्पीड लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे होने वाला है 120 किलोमीटर प्रति घंटे का, और इस पॉइंट पे अभी ब्लैक टॉप का फाइनल काम नहीं हुआ है, तो अभी फाइनल काम भी किया जाना है, साथ ही साथ ये जो ग्रीन पट्टी आप देख रहे हो इसको भी तैयार किया जाना है। और जरा नज़ारा देखिए, क्या अद्भुत नज़ारा है इस जगह पर। ये हमारा आपका भविष्य है जो यहाँ पर टीम बना रही है ताकि हम और आप कम वक्त में दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र तय कर सके, और इनफैक्ट आपसे कहूँ तो आधे वक्त में, क्योंकि अभी दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र तय करने में जो हमें और आपको वक्त लगता है वो लगता है 24 घंटे। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र हम और आप सिर्फ 12 घंटे में तय कर सकते हैं। और बताऊं तो आसपास के जो जितने छोटे छोटे रोड्स हैं ना, चाहे वो सोना पलवल रोड हो, सोना बल्लभगढ़ रोड हो, या फिर दिल्ली गुड़गांव रोड हो, उससे भी प्रेशर कम होगा, क्योंकि जो लोग, जो गाड़ियां मुंबई जाना चाहती है, जयपुर जाना चाहती है, राजस्थान जाना चाहती है, वो डीएनडी से इस रोड से होते हुए निकल जाएंगी और उनको सिटी के अंदर प्रवेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक इस रोड बनने की वजह से बहुत सारे रोड्स हैं और इनफैक्ट बहुत सारे हाईवेज हैं जिनके ऊपर से गाड़ियों का जो प्रेशर है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि कम वक्त में ट्रेवल करूं, और इसको कौन नहीं यूज़ करना चाहेगा, इतना सारा टाइम सेव करने वाला है तो हर कोई इसे ही यूज़ करेगा। ये कोई व्हीकल अंडर पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नहर को क्रॉस कराने के लिए बनाया गया है। इस पर ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे नहर हैं यार यहाँ पे ना, और इसी वजह से इतने सारे कंक्रीट के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। इस जगह का वैसे हम और आप पहली बार अपडेट देख रहे हैं, और इसी वजह से मुझे पता भी नहीं था कि एक्चुअली रास्ता किधर से डाइवर्ट हो रहा है या किधर से नहीं हो रहा है। जी हाँ, वाओ, अब तक का सबसे लंबा अपडेट है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस एलिमेंट पे जो कि दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है।
ये अब तक का सबसे बड़ा नहर है जिसको कि क्रॉस करना है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को, और इसी वजह से ना इस पे रोड को अच्छे खासे ढंग से डाइवर्ट भी किया गया है। अगर ये रास्ते में कीचड़ हुआ और अगर मेरी गाड़ी फंसी तो मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे है व्हीकल और मैं रिवर्स ले नहीं सकता हूँ यहाँ से, कि बड़ी गाड़ी है मेरे पीछे, फुल्ली लोडेड है। अब मुझे आगे वाली गाड़ियों को हॉर्न देना पड़ेगा ताकि वो रुक जाए। यहाँ पर एक्चुअली ये पहले से ही ये नहर के ऊपर एक पुल बनाया हुआ है, तो इसी वजह से इस रोड को इतना डाइवर्ट कर दिया गया है। जी हाँ, चलिए, अच्छी खासी जगह है इस पुल पे, तो मैं तो निकल गया, लेकिन अब थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा हमें और आपको। सही टीम कोऑर्डिनेशन से आप किसी भी जगह से निकल सकते हैं। अगर ये नॉर्मल रोड होता तो बेसिक यहाँ पर ट्रैफिक जाम लग जाता, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप हो और इस पे जो ड्राइवर्स होते हैं ना, ये बहुत ही पेशेंस से अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो इसलिए इस पे स्लो डाउन नहीं लगता। देखा, बड़ी आसानी के साथ गाड़ी निकल गई, मेरी नहीं, मेरे पीछे जो गाड़ी है ना वो, और उसमें अच्छी खासी मिट्टी डली हुई है। सामने आपको जो रोड दिख रहा है वो है समयपुर बल्लभगढ़ रोड, और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये इस जगह पर बनाए जा रहे हैं पिलर्स, और पिलर्स की मदद से ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो इसको क्रॉस करेगा, इस समयपुर बल्लभगढ़ रोड को। इसी वजह से यहां पर पिलर्स बनाए गए हैं। पिलर्स तो बनकर तैयार हो चुके हैं, पिलर कैप का काम, एक पिलर पर जो रह गया है उसको करने का काम यहां पर किया जा रहा है, उसके बाद अर्थवर्क का जो काम है वो किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो ये यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर यहां पर चार पिलर्स बनाए जा रहे हैं, दो इस साइड और दो उस साइड। समय पर बल्लभगढ़ रोड को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद दिखेगा कि दो जो पिलर्स बनाए जाने हैं उन वो दोनों के दोनों बन चुके हैं और उन पे पिलर कैप का भी काम हो चुका है। जब ये पिलर्स बनकर तैयार हो जाएगा इसके बाद इसके ऊपर सेगमेंट डाला जाएगा और फिर इसके आसपास अर्थवर्क का काम किया जाएगा यहां पर। तो अभी यहाँ पर अर्थवर्क का जो काम है वो किया जाना है, और ये जो रोड है ये अच्छा खासा बिजी रोड है, क्योंकि बल्लभगढ़ को कनेक्ट करता है ये रोड, और इसी वजह से आपको इसके ऊपर अच्छी खासी गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। अगली बार मैं इसके आगे लेकर चलने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और लेकर चलने वाला हूँ आपको मथुरा रोड तक और दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से मथुरा रोड को ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और अगला अपडेट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि वो इसी जगह से होने वाला है। चलिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।